ये अभी लॉन्च हुआ है नया? ये सर बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट एंड न्यू मॉडल है। बेसिकली होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जनरल शोरूम वाले जैसे सोफ़ा बनाया उसके साथ में दो हाई बैक चेयर्स रख देते हैं या फिर दो कॉफीज रख सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना थोड़ा सा मतलब वो ना एक ओल्ड ट्रेंड हो गया, मतलब वो हर जगह वही सेम चीज़ सेम पैटर्न चलता रहता है। कुछ हमने इस बार नया कुछ करके हमने कस्टमर के लिए नया किया है, जो कस्टमर की वो चीज़ पसंद भी आएगी और देखने में कुछ लुक वाइज भी कुछ बेटर है। आप देखेंगे ये हमने LCF एक सोफ़ा बनाया है, इसका स्टैंडर्ड साइज है 9x7। अच्छा हाँ, और इसके साथ टू चेयर्स हैं, डिजाइनर्स टू चेयर्स। इसका स्ट्रक्चर जो है, जो जैसे इसका बेस जो बेस स्ट्रक्चर है वो तो सॉलिड वुड में है, टीक वुड जी हाँ, और ये टफ्टिंग के साथ है जो हम गुलाई में देख रहे थे जैसे जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली ओके जी सर। आप इसमें जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है ये सब प्रीमियम स्वेड है और विद कुशन एंड टफ्टिंग वर्क के साथ है। बेसिकली होता क्या है कि अब हम बात करते हैं जैसे इसके वर्कमैनशिप क्वालिटी, ये है कि सबसे पहली बात इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर सारा आसाम टीक में हम बनाते हैं। अच्छा ठीक है सर, और वो भी हैवी सेक्शन होता है, 3.5 और 2.5 में हम हैवी सेक्शन यूज़ करते हैं। और ये आपने बताया कि स्ट्रक्चर फोमिंग सब इसमें बता दिया जी। एल कॉर्नर है ये, चेस्टरफील्ड इसमें है, मेडुसा इसमें साथ में है। साइज बता दें मुझे आप एक बार सर। इसका साइज है 9 फीट बाय 7 फीट, H2H। ये आउटर टू आउटर साइज है इसका, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको किसी भी साइज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कस्टमर अपना साइज देकर बनाना चाहते हैं हम वो भी बना देंगे। चलिए, और हम इसको सेक्शनल भी बना सकते हैं। अच्छा, बैक को हटा देंगे तो ये सेक्शनल सोफा हो जाएगा, जो कि दो पार्ट को इनडायरेक्टली इनविजिबली डिवाइड कर देता है, राइट? ठीक है। इस वाले फैब्रिक में हमारे पास डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेंटर टेबल इज डिजाइंड बाय योर डिजाइनर, आपके इन हाउस डिजाइनर? एक्चुअली ये मेटल बेस में है, ये इंपोर्टेड नहीं है, इंडियन मेड है। और इसमें जो आपके डिजाइनर ने डिजाइन किया है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट टाइम भी था आपके पास? बिल्कुल सर, इसके तो हमने कम से कम इसके 20 से 25 मॉडल हम बना के इसको डिस्पैच भी कर चुके हैं। ठीक है, इट्स मोर लाइक एन अनइवन हनी ड्रॉप जो है ना, जस्ट टेकन अ डिफरेंट शेप। और ये कॉम्पोजिट ऑनर्स में इनले अमोई वर्क इसका जो शेप है, और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं, और इसमें इनले का जो वर्क है अब उसको भी आप चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सॉलिड वुड की चेयर्स हैं, टीक वुड में। अच्छा। इसके ऊपर हमने पॉलिश मेटालिक की हुई है, आप देखिए, आप यहाँ से आप एक बार आके देखेंगे सर तो थोड़ा सा पता लगेगा। ये आपके पास ब्राउन में होती थी चेयर्स, हमने उनको कलर से प्ले किया, कलर से प्ले किया है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा, शैंपेन जैसा। शैंपेन बिल्कुल एग्जैक्टली सर, शैंपेन शेड। और उसके बाद ये जो उसका हमने सीट में कुशनिंग किया, जो वो सेम 4 इंचेस का कुशन, और उसके ऊपर फिर फैब्रिक है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। ये हमने बेसिकली पूरा एक पूरा कंप्लीट सेट बना के रखा है सर। अच्छा, ये वाला ओके। इसमें क्या है, LCF सोफा प्लस विद सेंटर टेबल एंड टू चेयर्स, एंटायर सेट। ठीक है जी, डन। अब ये थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स बीफी साइड है, थोड़ा सा मोटा है, इसकी थिकनेस पुराने वाले सोफा से ज्यादा है। जी जी, कर्वेशियस इसकी सीट्स हैं आगे से, और काफी डिटैचेबल मेरे ख्याल से इसकी पीछे सीट्स हैं। बिल्कुल ओके, यू मेकिंग इट इज अ फेयर डील सर, बहुत इकोनॉमिकल है, क्वालिटी बेस्ट है। आप देखेंगे फिनिशिंग, आप देखो फिनिशिंग से ही पता लग जाता है। आप देखो ना कि फिनिशिंग जैसे क्या इसकी वर्कमैनशिप है, इसमें जो ये सारा जो काम किया हुआ है। अब ये डुअल टोन के साथ है, इसमें आप प्लेन का भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें इस साइड से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बैठेंगे आपको बैठते ही पता लगेगा कि क्या कंफर्ट है। चलिए चलिए, फ्रॉम दिस टू स्ट्रेट लाइन टू कार्विंग। ओके चलिए, कार्विंग देखते हैं अभी हम। ये सर कार्विंग सोफा है, ये मेरे पास अभी डिस्प्ले में 3+2 में अवेलेबल है, और हम इसको मेड टू ऑर्डर हम किसी भी एल शेप में, किसी भी जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, तो हम उसको मेड कर सकते हैं। ओके जी सर, चलिए। ये क्योंकि टीक वुड में है जी, तो इसको आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे पॉलिश करा सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये हम इसको वैसे पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, ये मेरा मतलब हॉट सेलिंग मॉडल है कार्विंग में। अच्छा, क्योंकि बेसिकली होता गया है कि कार्विंग के ना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बट इसमें से ये सिलेक्टेड मॉडल है, मेरा बहुत चलता है। ये क्या फैब्रिक है ये सर? ये जैकार्ड फैब्रिक है, ये फ्लैप के साथ है, आप देखेंगे इसमें सारा, ये जैसे इसमें डुअल टोन है, इसमें ये क्रिस्टल्स हैं, देन जैकार्ड फैब्रिक, प्यू कुशन। अच्छा, और इसमें इसका जो क्राउन है ना, ये सॉलिड हैवी क्राउन है, और ये सी थ्रू कार्विंग के साथ है, आप देखेंगे। अच्छा, इसमें आर पार कार्विंग है। ओके हाँ, बेसिकली होता क्या है कि कई लोग आजकल फाइबर में बना रहे हैं, फाइबर में क्या है कि वो सस्ता करके देते हैं, फिर वो फाइबर की लाइफ नहीं होती, वो सब ऐसे आपको वैसे ही पता लग जाएगा। हम आपको बिफोर पॉलिशिंग भी चेक करा देंगे। ठीक बात, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें सारे मॉडल्स बनाते हैं, मोर देन मतलब 40-50 मॉडल है इसके अंदर, बहुत सारे मॉडल। हमारे पास इसकी स्पेशल टीम है।
फैक्ट्री में, बिल्कुल जो हम देख रहे थे शुरू में, बिल्कुल सर। ये चेस्टरफील्ड मोस्ट पॉपुलर आजकल सबसे ज्यादा चलता है, बिल्कुल सर। चेस्टरफील्ड सर आजकल और पहले से भी बहुत चलता आ रहा है। चेस्टरफील्ड में क्या है कि आप मोस्टली आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसका लुक जो है वो डिफरेंट स्टाइल होता है, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे कर्वेशियस होते हैं, इसमें टफ्टिंग होती है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में आप बनते हैं, जैसे थोड़ा हैवीनेस होती है कि कोई स्लीक होता है, कोई स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने थोड़ा कॉम्पैक्ट सेट बना के रखा हुआ 3+2, तो ये हर किसी के स्पेस में आ जाता है। ठीक बात है जी। इसकी एक और स्पेशलिटी कि रिक्लाइंड है पीछे की तरफ थोड़ा सा, ना स्ट्रेट नहीं, एकदम 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल सर। अगर स्ट्रेट करेंगे तो कंफर्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज हम देखते हैं कि ये काफी सारे वर्जन अवेलेबल हैं इसके मार्केट में, बिल्कुल। ये बहुत सस्ता भी हो जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट है सर? इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला होता है फैब्रिक, दूसरा जो हमने इसमें इसकी जो वर्कमैनशिप आप देख रहे हैं, टफ्टिंग जो की हुई है। अगर आप हल्का फैब्रिक लेके, सस्ता सोफा लेके और ऐसा चेस्टरफील्ड में जाते हैं, तो उसमें एक तो रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मेन रिंकल्स होते हैं। अच्छा। आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हमारे इसमें आपको प्लेट्स दिखेंगे, आपको सब प्लेट्स बनी हुई है, तो ये सारी हमारी फैक्ट्री में जो स्किल्ड कारीगर होते हैं वही काम करते हैं। मशीनों पर काम होता है, सारा हाथ का काम होता है ये सब, ना झुकी मशीन होती है हमारे पास, कारीगर सारे स्पेशल टीम है, मतलब एक एक कारीगर हमारा 25-25 साल पुराना है जी। तो हाथ की फिनिशिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है। और वो क्या करते हैं, हल्का फैब्रिक लिया, 100 रुपये मीटर वाला फैब्रिक, उसको बनाया, यहाँ रिंकल्स आ गए, वहाँ रिंकल्स आ गए, और फिर कुछ टाइम बाद उसकी जो ये बटन्स हैं, उसकी जो थ्रेड्स हैं, वो निकल जाती है। बस अगर एक उसका थ्रेड निकलने लगा, वो पूरा सोफा बेकार। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मटेरियल की इम्पोर्टेंस है, मतलब अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ जो है सोफ़ाज की बढ़ जाती है जी। मतलब थ्रेड से भी आपकी क्वालिटी की जो लाइफ है सोफ़ा की जी, वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। मतलब एक छोटी सी चीज़ है हालांकि थ्रेड, मगर फिर भी जी जी राइट जी। बताइए, ये वाला सेंटी टेबल भी आप देख सकते हैं कि जैसे इसका जो साइज़ है 4.5 फीट x 2.5 फीट का साइज़ है, इसमें जो ये ब्लैक मार्बल लगा हुआ इटालियन विद पॉलिस्टर है। अच्छा। एंड दिस वन इज लिटिल ऑन द हेवियर साइड, थोड़ा सा बीफी है ये जी, उन लोगों के लिए जिनके पास काफी सारा स्पेस होता है। जी सर, ये वाला जो मॉडल है ना मेरा, ये बहुत हॉट सेलिंग है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये इसमें ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं, जो पहले नीचे का जो बेस स्ट्रक्चर है वो सॉलिड वुड में है, इसमें साइड में ये सब वुडन का मतलब प्लाई का पैनलिंग है, प्लाई पैनलिंग वर्क विद प्यू पॉलिश। अच्छा। और उसमें कुशनिंग जो है बैक साइड में डबल कुशनिंग है, जैसे बैक तो है ही, उसके ऊपर फिर डबल कुशनिंग करके हमने कुल्टिंग के साथ टफ्टिंग की हुई है। अच्छा। स्टिचिंग वर्क है, मतलब काफी स्टाइलिश सोफा है और मतलब अच्छी, बहुत अच्छी डिमांड है इसके उस सोफे की। डन। क्योंकि बीफी है थोड़ा, ऑब्वियसली इसका जो जो इसका हैवीनेस है ये देखिए सर, वो अचीव किया होगा फोमिंग से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब फोमिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। इसमें मतलब स्टाइल थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, मल्टीपल शेप्स हैं इसमें, मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल इसमें शेप भी है जी जी। और कंफर्टेबल मेरे ख्याल से बाकी सोफा से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कुशनिंग ज्यादा है, वो कुशन इसमें हमने वैसे भी प्यू कुशन हम यूज करते ही हैं, तो कंफर्ट तो बहुत अच्छा आता ही है सर। बिल्कुल। ये कौन सा फैब्रिक हमने यूज किया है इसमें? सर ये प्लेन स्वीट है, इसमें हमने ये लाइट कलर यूज किया है जी। ये बेसिकली व्हाइट तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये क्रीम शेड है। इसमें शेड्स आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे जी। और कुशनिंग जो सारी इसमें सेम वही प्यू कुशन है। अच्छा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो आगे का जो इसका ये डिजाइन है, ये रॉड इसमें गोल्ड कलर की रॉड है, नीचे तक इसमें पूरी जो इसकी लेग स्टैंड है ये वाला। अच्छा जी। ओके। बहुत अच्छा डिजाइन है, मेरा रनिंग मॉडल है ये। Alright, so what is happening in the cheaper versions? People are taking this here and ending it here. जी। So what we have taken it throughout. तो ये बहुत ज़्यादा heavy load bearing capacity, load bearing भी होना चाहिए ना ये? बिल्कुल, बहुत heavy सर, solid rod है ये। Otherwise this cannot take the load, right? जी। अच्छा, ये काफी popular design रहा, in fact 1.5 साल से काफी चल रहा है। बिल्कुल। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल आपको हर जगह मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास ही है, मिल जाएगा। कॉपी करते देखो, सब डिजाइन इंटरनेट से चूज करके बना लेते हैं, बट लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह की क्वालिटी का फैब्रिक यूज कर रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी फोम लगा रहे हैं, तो फिर वो प्राइस वेरी करता है। तो हम जो हम जिस क्वालिटी में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हमारा लगेगा कि जैसे बाकी वीडियो जो चलती है उनसे आपको लगेगा थोड़ा हमारा महंगा है, बट लेकिन क्वालिटी हमारी बेस्ट है। अगर वो सोफा अगर हमारा 2 साल चलेगा, तो हमारा ये वाला सोफा 10 साल चलेगा, गारंटीड। ठीक बात है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो आपको उतना
उतने के वैल्यू मिल रही है आपको, है ना, उस हिसाब से वर्थ मिल रहा है, उसकी क्वालिटी भी उतनी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, ये इसी का साथ कॉन्सेप्ट है सर, बहुत प्यारा बनाया है। आप देखो हमारे सोफे में आपको एक एक स्टिचिंग आप देखोगे बिल्कुल बारीक स्टिचिंग है, मतलब कहीं से भी कोई लाइन टेढ़ी नहीं अब दिखेगी आपको, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग है। सारी चीजें ऐसी है जो आपको जब आप यूज करेंगे उसको तब आपको पता चलेगा कि वो आपके पास कितने दिन रुकता बिल्कुल, बिल्कुल, है, exactly, लाइफ नहीं है ना उनकी। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर, उनकी लाइफ नहीं होगी। बिल्कुल, तो हम लोग बात कर रहे थे अब सेंटर टेबल की, ये सेंटर टेबल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ। क्योंकि इसके पैटर्न्स डिजाइन्स बड़े अच्छे सर, एक्चुअली ये डबल टॉप के साथ है, ये इसमें जो मेटल टेबल है इसमें बीच में मतलब कंपोजिट ऑनेक्स ही है। एक्चुअली ये वाला जो सोफा है 3+2 में मेरे पास अवेलेबल है, और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम इसको बना सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल रेंज में हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये आप देखेंगे इसमें जैसे ये वैसे तो ये चेस्टरफील्ड टाइप ही है, और जैसे चेस्टरफील्ड में क्या होता है कि इसमें टफ्टिंग होती है, इसमें हमने बीच में स्टिचिंग गोले गोले बना दिए हैं। अच्छा। और सेक्शनल इसकी सीट कर दी है, और बाजू में भी थोड़ा सा डिजाइन कर दिया है, आगे थोड़ा पाइपिंग वर्क दे दिया है, एसएस के लेग्स सेम कर दिए इसमें। आप लेग्स में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप वुड के आप लेग्स ले सकते हैं, या फिर आप गोल्डन की जगह आप रोज गोल्ड कर सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। डन जी। इसमें सीट्स के डिवीजन के ऊपर हम अक्सर बात करते रहे लोगों से, आपसे भी बात करेंगे कि जब भी आप सीट इसको डिवाइड करते हैं दो जगह, तो इसके दो बेनिफिट होते हैं। जब अगर आप मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आपको अगर देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब विजुअली अगर आप सिंगल सीट कर देंगे पूरा, ये एक बीच में कट नहीं देंगे जी, जी। तो एक पूरा लेंथ ज्यादा लगती है इसकी, ऐसा लगता है बड़ा साइज का सोफा है, बिग साइज, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपकी इंटेंशन है आप दिखाना चाहते हो बड़ा पीस है, तो इसको सिंगल रख सिंगल कर सकते हैं। मेटल पार्ट जो है वो क्या है इसमें सर? ये एक्चुअली ये मेटल पार्ट नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ये एक्चुअली पीवीसी की एक पाइपिंग है, वो हमने इसमें डाली हुई है। अच्छा, जैसे हाँ, कुछ लोग फाइबर यूज करते हैं, वैसे हाँ, आपने पीवीसी, ये पीवीसी पाइपिंग है, बट ये ड्यूरेबल है और ये निकलता नहीं है, इसको अंदर इसकी जो इसका ये फ्रंट का जो ये पीस है इसके साथ ही इसको फिक्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये सब गारंटीड होता है, हमारा फर्नीचर कोई भी हो हम पूरे गारंटीड के साथ आपको देंगे। बेड्स की भी काफी सारी वैरायटी हमारे पास है, जिसमें से कि कुछ सेक्शंस जो रेडी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है पूरा एक बनाया हुआ जी सर। ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये बेड है और उसके साथ में हमने एक स्लाइडिंग वार्डरोब बना के रखा हुआ है। अच्छा। बेसिकली ये जो वार्डरोब है ये मॉड्यूलर है, और इसमें आप और ये टोटली कस्टमाइज्ड है, आप देखेंगे, ये देखिए इसमें हैटिक हमने चैनल यूज किया है, इसमें ये ड्रॉर्स है, फैब्रिक क्लैडिंग है, इसमें सामने फ्रंट पे ग्लास लगेगा अभी। अच्छा। और ये हैंगिंग रॉड लग जाएगी, ये लॉफ्ट हो जाएगा, और नीचे जो है इसमें फोल्डेबल शेल्फ है। अच्छा। और दूसरे साइड जो है ये देखिए, आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सर, ये हमने थोड़ा सा अलग पैटर्न कर दिया है, इसमें जैसे सेक्शनल इसमें ब्लॉक्स बना दिए हैं, और ये जो है हैंगिंग सिस्टम। अच्छा। साड़ी हैंगिंग, पैंट हैंगर, टाई हैंगर, सब कुछ मतलब इसमें मल्टी पर्पस के ये सब कस्टमाइज हो जाता है, कस्टमाइज हो जाता है ये सब चीज़ें, और ये सब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसको आप किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं जी सर। डन। ये बेड्स के बारे में आप बता रहे थे कि किंग साइज बेड है। यस सर। विद स्टोरेज। बिल्कुल सर, ये ये जो बेड है पूरा कंप्लीट विद स्टोरेज के साथ में है, विद साइड टेबल है, एंड एसएस वर्क के साथ है ये। वैसे तो ये हम बेड हम और भी कई तरह के मॉडल्स बनाते हैं, बट ये थोड़ा सा हमने इसको साइड टेबल सेपरेट करके बनाया है, क्योंकि लॉन्ग बैक के साथ क्या है कि सभी के घर में हर किसी के घर में सेट नहीं होता, तो हमने इसको साइड टेबल सेपरेट करके बनाया, और पीयू पॉलिश में है। अब इसकी पॉलिश देखेंगे, ये सब मेटालिक पीयू है सर, ये सब सिरका का केमिकल है, इसमें शिमरिंग इफेक्ट आएगा। अच्छा, शिमरिंग इफेक्ट शाइन है थोड़ा सा। हाँ, इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए, इसमें आपको ये सब ना शिमरिंग इफेक्ट नजर आएगा। ये सब पॉलिशिंग का कमाल होता है सर, ये सब हमारी फैक्ट्री में जो मैंने आपको विजिट करवाया था, ये सब काम हमारी यही फैक्ट्री में होता है। अच्छा। सेम बेड है लेकिन डिफरेंट कलर में ये। जी जी। ये सर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी आपको बेड दिखाया था, बेसिकली कलर वगैरह सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा साइजिंग थोड़ा फर्क होगा, जैसे हाइट में फर्क इंक्रीज और थोड़ा साइज बढ़ गया है, क्योंकि वो जिसका हमने बनाया है जिस पार्टी का उन्होंने अपना साइज देकर ये बेड बनवाया है। अच्छा, ये टोटली कस्टमाइज्ड है और स्टोरेज के साथ में है, इसमें जैसे वो लेवेंडर शेड था, ये जैसे ये वाइन शेड आ गया, कलर्स स्टोन जो टोन है वो सेम है, कस्टमाइजेबल होते हैं जी सर। तो जो लोग आपको अपने डिजाइन देते हैं तो आप बना देते हैं, वैसे तो काफी सारे डिजाइन हमारे पास भी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कोई डिजाइन है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी बन जाएगा। राइट। बिल्कुल सर। क्या दिखाएंगे
सर हम आपको दिखाएंगे जैसे दीवान कॉम्बैट जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, जिनके पास कम स्पेस होता है, जैसे गेस्ट रूम है, छोटा रूम है, अब उसमें आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अच्छा। ये बेसिकली ये कन्वर्टेबल बेड होता है, आप इसको ऐसे खोल के ऐसे आपने खोला, इसमें डबल मैट्रेस है, एक ऊपर एक नीचे होता है, आप वो वाला मैट्रेस को आप यहाँ फोल्ड कर देंगे तो ये पूरा डबल बेड बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और इसमें वन साइड स्टोरेज होती है, ये साइड स्टोरेज भी है इसमें स्टोरेज है, और क्वालिटी सेम होगी। ये फ्लैप जो हमने यूज़ किया ये 19mm प्लाई का फ्लैप है, और नीचे बॉटम की प्लाई 9mm की होती है। अच्छा जी। ये जो ट्रॉली का मूवमेंट है वो व्हील के ऊपर है? ये सर सिक्सर्स व्हील्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इसको दिन में चाहे इसको 10 बार खोलो 50 बार खोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डन। क्या इनके मैट्रेसेस में और नॉर्मल बेड के मैट्रेसेस में भी फर्क होता है या कोई सेम मैट्रेसेस नहीं सर? ये जो मैट्रेस होते हैं ये फोम के मैट्रेस होते हैं, बाकी जो जैसे जो सोफा की फोम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे सोफा में हम फोम भी यूज करते हैं और प्यू फोम भी यूज करते हैं। अच्छा। इसको हम नॉर्मल मैट्रेस भी बनवा सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो कस्टमाइज आप मैट्रेस भी बनवा सकते हैं, किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रेफरेबली लाइक दीज लाइट कलर्स में आप यूज करें तो अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में है। बिल्कुल सर। और काफी बड़ा बनाया है ये भी। अभी क्या 6x4 होगा ये? ये सर 6x6 का है। 6 नहीं, अभी हाँ अभी ये 6x3 है। 6x3। ओके, लगता बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल राइट, डन। एक और भी है ना यहाँ पे? हाँ, इसका सर दूसरा मॉडल है ये वाला। अच्छा। इसमें पीछे कुशनिंग नहीं है? इसमें पीछे कुशनिंग नहीं है, ये वुडन पार्ट के साथ है, बाकी सेम फीचर है। फीचर सेम है, क्वालिटी सेम है, फैब्रिक इसमें डिफरेंट कलर का लगा हुआ है, बाकी इसमें अगर कस्टमर की चॉइस है कि इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी है वो कर सकते हैं।